सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GS1 सेंटर में। सो गाइस, आज से होने वाला ऑब्जेक्टिव का महासेशन स्टार्ट, जिसमें आप लोगों को रोज 15 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव के महासेशन में पूरा वीडियो देख लेते हो तो सो गाइस, आपको ऑब्जेक्टिव में 50% अर्थात 100 नंबर में से जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का होता है उसमें से 50% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो गाइस, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह एग्जाम 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होगा क्वेश्चन उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे एक्स्ट्रा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? ठीक है ना, किस देश की आर्थिक स्थिति क्या है सबसे बेहतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो गाइस, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ नेपाल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ म्यांमार, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ श्रीलंका। सो गाइस, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? सो गाइस, आप लोग बिहार में रहते हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सो गाइस, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन बी दिया हुआ हरियाणा, ऑप्शन सी दिया हुआ गुजरात, और ऑप्शन डी दिया हुआ बिहार। सो गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज बिहार। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर बी डी इज राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, अर्थात अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, क्या किया गया, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 और अनेक, अर्थात कई भागों में बांटा गया है। सो गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से फटाक से आंसर कीजिए। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 3। क्या किया गया, अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांट दिया गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रूस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ भारत, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अमेरिका। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रूस। ठीक है ना, रूस में क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, क्या है सम्यक विकास की प्रक्रिया, क्या है संबंधित है, किस प्रक्रिया किससे संबंधित सम्यक विकास की प्रक्रिया, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग से सभी वर्गों से इनमें से कोई नहीं, किसी वर्ग से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से फटाक से आंसर कीजिए, आंसर दीजिए फटाक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्गों से सम्यक विकास की प्रक्रिया किनसे है सभी वर्गों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में क्या हुआ था, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1951, ऑप्शन नंबर सी 2005 और 2015। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से फटाक से आंसर कीजिए, छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सो गाइस, तो छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। ठीक है ना, 2015 को क्या हुआ था, संगठन हुआ था। ठीक है ना, भारत में नीति आयोग का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा ये सातवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं होती है? ठीक है ना, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया क्या होता है नहीं होता है, सातवां नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी बीमा, और ऑप्शन नंबर डी परिवहन। सो गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए फटाक से, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बीमा, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से,
जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर। सो गाइस तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नौवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की आर्थिक व्यवस्था अर्थात भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, ठीक है ना, भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं। सो भाई आप लोग भारत में रहते हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, जल्दी से फटाक से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सो गाइस तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को, आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह समझ लीजिए, और इसको समझ लीजिए, यह बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए MMVVI होने वाला है, ठीक है ना, क्या है MMVVI, ये आएगा ही आएगा। चलिए दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दसवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनमें से कौन से देश में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत में, आप लोग जानते ही हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी दिया हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी दिया हुआ 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। सो गाइस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, और यह हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए MMVVI है, यह भी आने आएगा ही, पक्का आएगा, पक्का आने का चांस है इसका। सो गाइस तो चलिए इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है, 12वां नंबर, राष्ट्रीय आय जाना जाता है, ठीक है ना, सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आय गणना विधि द्वारा, उत्तरणा विधि द्वारा, और तीसरा नंबर विधि द्वारा, और चौथा नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी द्वारा। सो गाइस तो इस 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सो गाइस बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है, अर्थात बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है गरीबी में, गरीब का प्रति व्यक्ति आय कितना है इसमें आपको बताना है। सो गाइस तो 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14वें नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ए भी VVI क्वेश्चन है, क्या यह VVI क्वेश्चन है, VVI आने की संभावना है 14वें नंबर क्वेश्चन की। चलिए सबसे नंबर पहला ऑप्शन दिया हुआ है नालंदा, दूसरा है रोहतास, तीसरा है सिवान, चौथा है शिवहर। सो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका आया है बताइए जल्दी से। सो गाइस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके ऑप्शन नंबर डी इज राइट, शिवहर, ठीक है ना, शिवहर का क्या है आया सबसे कम है। चलिए 15वें नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अर्थात उसमें निम्न था अर्थात कम था, इसमें सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है भागलपुर, पटना, गया, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी दिया हुआ है सीतामढ़ी। सो गाइस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, आप लोग जानते ही होइएगा, ठीक है ना, सबसे कम में है शिवहर और सबसे ज़्यादा में है सीतामढ़ी, जो सीतामढ़ी की आय क्या है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है सीतामढ़ी जिले का। सो गाइस ऑब्जेक्टिव का सेंसर खत्म होता है। सो गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो गाइस धन्यवाद, और अगले आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये जो ऊपर देख रहा है वीडियो इसको आप जरूर देख लें।